Hey guys, hello and very good morning and very welcome to this session. Myself Gulshan Akhtar and आज के session में हम करेंगे most expected questions from teaching and research. तो teaching और research one of your very favorite unit I would say. इन दोनों ही units के आज हम most expected questions करने जा रहे हैं. काफी different questions और interesting questions होंगे आज के session में. So quickly all of you like share कर दो session को, उन तक भी पहुंचा दो session को जिन तक ये session की information नहीं पहुंची है. लाइक करना जरूर से एंड यस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस नहीं हो. ओके सो यस एवरीवन, बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, मेरे क्लासेस होते हैं ट्यूसडे थर्सडे जैसा कि आपको मालूम है सुबह के 10 बजे. बट इसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी लूंगी इस मंथ बिकॉज आपके एग्जामिनेशंस बहुत नजदीक हैं. सो कल फ्राइडे को आई विल बी टेकिंग अ क्लास ऑन कम्युनिकेशन और कल होगा कम्युनिकेशन का मैराथन. राइट सो कल होगा हमारा कम्युनिकेशन का मैराथन और इसमें हम करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूरी थ्योरी, मतलब पूरे कम्युनिकेशन के सिलेबस को रिवाइज करने की हम कोशिश करेंगे इस मैराथन में. कल सुबह 10 बजे ही होगा ये सेशन, सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करो. ठीक है सो यस एवरीवन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सब बताएं आप सब कैसे हैं. आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. पढ़ाई अच्छी चल रही है, तैयारी अच्छी है एग्जाम की. यस वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जितने लोग आ गए हो मुझे वॉइस वीडियो पीपीटी कंफर्म करते जाना. जितने लोग तक से ये सेशन नहीं पहुंचा है उसको शेयर भी करते जाना. वॉइस इज वेरी लो. ओके नम्रता इज सेइंग वॉइस लो है. एक बार मुझे बाकी लोग कंफर्म करें क्या वॉइस में कोई इशू है. मेरे तरफ से सेटिंग सब बिल्कुल ठीक है तो एक बार कंफर्म कर दो वॉइस सही आ रही है. All fine. हाँ जी सब बढ़िया है. तो जिसको भी आवाज नहीं आ रही है ना वो प्लीज एयरफोन लगा ले, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ले अपने डिवाइस का, डिवाइस चेंज कर ले, या अगर बहुत शोर में बैठे हो तो कहीं शांत जगह चले जाओ ताकि क्लास की सारी आवाज आपको पूरी आवाज अच्छे से आती रहे. ठीक है ऑल फाइन है ना. चले जिसको भी आवाज नहीं आ रही है प्लीज एयरफोन लगा लो या बढ़ा लो आवाज या कहीं शांत में चले जाओ, आपको बिल्कुल अच्छे से आवाज आएगी. एंड इस सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए. व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्लियर करने की क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या हमारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी एग्जामिनेशन एक बार में क्रैक हो जाए. तो हमें सिलेबस तो सबको पता है कि सिलेबस राइट सिलेबस क्या है हमें पता है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस सिलेबस को किस स्ट्रैटेजी से हमें पढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी से अपने कोर्स को कवर करना है जिससे कि हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएं. ओके सो प्लीज डू जॉइन मी फॉर दिस वर्कशॉप जो होने वाला है कल रात के 8 बजे. इसको मैं ऐप के ऊपर लूंगी, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे. इस वर्कशॉप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको रजिस्टर करना होगा. ठीक है ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, इसको बस ज्वाइन करना है. कैसे ज्वाइन करोगे कमेंट्स में मैं क्लास के बाद आपको लिंक दे दूंगी वर्कशॉप की, वहां पे जाके रजिस्टर कर लेना. ठीक है ओके चले फिर लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन, शुरू करते हैं इस सेशन को. आर यू ऑल रेडी? क्या एग्जाम अक्टूबर में होगा? नहीं एग्जाम इतना तो लंबा नहीं खींचने वाला. आपका एग्जाम बहुत चांसेस है कि अब जून एंड में या जुलाई में होगा. ठीक है जून एंड भी बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि कम ही चांसेस हैं, बट जुलाई में एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं आपके. तो ये मान लो या जून एंड या जुलाई, इतना नहीं जाने वाला, अक्टूबर नहीं जाने वाला. ठीक है चलो आर यू ऑल रेडी एवरीवन? हाँ जी ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का और यहाँ पर है जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है. परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? जहाँ पर टीचर बच्चों की परफॉर्मेंस का पता लगाता है कि उनको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसको बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं. ठीक है उसको बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं जल्दी से.
steps involved in developing a performance test everyone. ठीक है, हिंदी भी देखो इसी क्वेश्चन का. आपका जब परफॉर्मेंस टेस्ट बनाया जाएगा तो उसमें क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे, किस तरह से बनेगा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट. एक मिनट, इसमें ऑप्शंस नहीं है. मैं जल्दी से ऑप्शंस लगा दूं फिर आपको हिंदी दिखाती हूँ. बस एक सेकेंड का टाइम दे दे मुझे. चलो, so, क्या कदम आपको उठाने होंगे, आपको परफॉर्मेंस टेस्ट बनाना है तो एवरीवन. दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. क्लास का तो नाम पढ़ के आयोगे ना आप अंदर. यस, चलो मेजॉरिटी हैव सेड ऑप्शन नंबर बी. तो क्या हमारा बी करेक्ट होगा? डेफिनेटली बी होगा करेक्ट. क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट जब बनेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या देखना है, क्या परखना है बच्चों का. ठीक है, सो अगर हम बात करें तो क्या बच्चों के अंदर परखना है, हमें ये देखना होगा सबसे पहले, और इसकी वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, प्लीज अपना डिवाइस का जो आप रेजोल्यूशन है ना उसको बढ़ा लो. सब कुछ इधर से बढ़िया है तो एक बार अच्छे से रेजोल्यूशन बढ़ा लो, आवाज बढ़ा लो, ताकि आवाज बिल्कुल क्लियर हो आपको सेशन. ठीक है, नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं क्या एबिलिटीज हमें टेस्ट करनी है, उसके बाद हम किस रेटिंग फॉर्म पे बच्चे को टेस्ट करेंगे, आफ्टर दैट इट विल बी कि हम किस तरह का सैंपल कितने बच्चे को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, फिर ट्राई आउट करेंगे फाइनल. तो फाइनल लास्ट में होगा और स्टार्ट में होगा क्या कि हमें क्या देखना है, तो इसको पहले आप डिसाइड करते हो. चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड एवरीवन. लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं और उसके लिए आप क्या क्या एक्शंस लोगे. लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड उसके लिए क्या एक्शंस लिए जाएंगे. सेम प्रॉब्लम वंस अगेन. हाँ जी, सो पढ़े जल्दी से क्वेश्चन और मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजी में क्या एक्शंस लिए जाएंगे. So, हिंदी भी देख लेते हैं क्वेश्चन का बहुत जल्दी से और फिर हम इसका आंसर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है. मैं तब तक पेन टैप चेंज कर लूं. B's and C's दो answers हैं जिसमें आप ज़्यादा confused हो, so इसका correct answer होगा. इसका correct answer होगा everyone option number C. क्यों C होगा हमारा correct? जिन्होंने B बोला है वो गलत क्यों है? और B क्या है? तो देखेंगे हम यहाँ पर planning और focusing. आप सोचो planning किससे जुड़ा हुआ होता है? Planning जुड़ा हुआ होता है goal set करने से. ठीक है, planning जुड़ा है हमारा goal set करने से, तो हम सबसे पहले goal पे आएंगे. A3 होगा. ठीक है, A3 है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर करने के लिए न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करते हो, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हम रिमेम्बर करने के लिए न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, देयरफॉर बी का होना चाहिए 4.
कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए एग्जाम्पल्स होंगे और कग्निटिव मॉनिटरिंग कि हमने जो पढ़ा है उसका मॉनिटरिंग कैसे करोगे आप क्वेश्चंस और टेस्टिंग करके. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर सी एवरीवन, टीचिंग मेथड्स और इनके लिए कौन से फैक्टर्स हेल्पफुल हैं. तो टीचिंग के सारे मेथड्स आपको इधर के तरफ दिए हैं. एक्सपोजिटरी मेथड है, इन्वेस्टिगेशन है, डिस्कशन है, पर्सनलाइज्ड है. आपको उसके फैक्टर्स के साथ मैच करना है. ओके, ऑप्शन नहीं दिख रहा है बॉटम बार की वजह से. चलो हाइड करती हूं एक मिनट. हां जी, अभी देखो. ठीक है, चले लेट्स लुक एट द हिंदी क्वेश्चन वेरी क्विकली और इसका आंसर मुझे बताना मैच करके, एलिमिनेट करके. एलिमिनेट करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा इसका आंसर. मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन. ओके, सो आई हैव एज, सीज और डीज, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन, दैट इज ए. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए. अब ए क्यों होगा जानते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक्सपोजिटरी मेथड है. एक्सपोजिटरी मेथड बेसिकली होता है कि हमने पहले बच्चे को क्या दिया, लेक्चर दिया. ठीक, लेक्चर देने के बाद हम उसको एग्जाम्पल्स देंगे. एग्जाम्पल्स के बाद हम इसके ऊपर बच्चे को प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम बच्चे को फिर क्वेश्चन देते हैं. ठीक, तो हमने लेक्चर दिया, फिर एग्जाम्पल्स दिए, फिर बच्चे को हमने कुछ क्वेश्चंस दिए जिसके थ्रू बच्चे की प्रैक्टिस हो गई. सो ये एक्सपोजिटरी मेथड है एंड इट इज मैक्सिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पर होगा सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन. ठीक है, हम लेक्चर देते हैं, एग्जाम्पल्स, फिर क्वेश्चंस होते हैं. तो एक्सपोजिटरी ए फोर होगा. इन्वेस्टिगेशन क्या होता है. इन्वेस्टिगेशन मेथड के अंदर हम बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देंगे, बच्चा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा. डिस्कशन मेथड में एक टॉपिक होगा, एक थीम होगा, उस थीम के ऊपर डिस्कशन होगा. पर्सनलाइज्ड मेथड के अंदर क्या होता है. पर्सनलाइज्ड मेथड के अंदर होता है बच्चा कंप्लीटली अपने मेथड अपने अकॉर्डिंग सीखेगा, अपने अकॉर्डिंग प्लान करेगा उसको क्या पढ़ना है, गोल वगैरह सेट करके पढ़ते हैं. तो ट्रस्ट एंड ओपननेस होता है, हम बच्चे को पूरी जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं कि क्या सीखना है, क्या करना है, खुद डिसाइड करो, बच्चा खुद से करता है. राइट, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. एनी डाउट एनीवन, जल्दी बताओ. ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. एंड यस, चलें आगे क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है. तो हमने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा है, बट यहाँ रिफ्लेक्टिव टीचिंग पूछा है, वो क्या है, पढ़ के बताएं जल्दी से. What is reflective teaching?
वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है टीचिंग के बारे में सोचना, मैंने जो पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया, तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर हम पूरी टीचिंग के ऊपर सोचते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो टीचर पढ़ाने के बाद डिसाइड करता है, या पढ़ाने से पहले भी हम टीचिंग के ऊपर सोच सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं उसको कैसे पढ़ाऊंगी, हम मैं कैसे समझूंगी कि बच्चे को समझ में आ गया, मैं किसको पढ़ाने वाली हूँ, एवरीथिंग। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द थॉट प्रोसेस इन द माइंड ऑफ अ टीचर। टीचर अपने दिमाग में जब सोचता है अपनी टीचिंग पे, आप बोल सकते हो रिफ्लेक्ट करता है, चिंतन करता है कि अच्छा मैंने जो पढ़ाया उसको मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ मैंने जो पढ़ाया, मैं किसको पढ़ाने जा रही हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट्स चूज किए हैं या नहीं, दैट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। चले अगला क्वेश्चन, विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी इन विच मैसेजेस आर ड्रॉन ऑन अ थिक पेपर एंड प्रेजेंटेड स्टेप बाय स्टेप टू द ऑडियंस टू सिंक्रोनाइज विद द टॉक, ये कौन सी विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होगी? चले, सो टाइम्स अप, पीपल हैव सेड ऑप्शन नंबर डी, एक आध आंसर मुझे सी भी मिले हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, फ्लैनल बोर्ड होता है। फ्लैनल बोर्ड हमारा वो बोर्ड होता है जिसपे हम जो भी बात करते हैं उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं अपने टॉक, मतलब जो भी हम दिखा रहे हैं एक एक करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे विद द टॉक। तो फ्लैनल बोर्ड पहले देख लो क्या होता है, ये है फ्लैनल बोर्ड। इसको फ्लैनल बोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर के क्लॉथ से बना होता है, और ये जो ग्रीन कलर का क्लॉथ होता है ना, यही फ्लैनल होता है। अब हम बात करते हैं फ्लैनल बोर्ड की, तो फ्लैनल बोर्ड पे हम एक एक करके इमेजेस या जो भी आपको दिखाना है आप उसको लगाते जाते हो विथ योर टॉक, मतलब आप जिस चीज की बात कर रहे हो उसको आप उठा के पेस्ट कर दोगे। सो दिस इज अ टीचिंग एड, ये आपका ट्रेडिशनल टीचिंग एड है, पारंपरिक टीचिंग एड है, और इसको हम यूज करते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे कैसे भी बच्चों के साथ हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is or are quantitative techniques of examination? हम examination की बात करें तो उसमें से मात्रात्मक या quantitative technique कौन कौन सी होंगी? पेगबोर्ड वर्कशॉप्स में यूज होता है, खूंटियां होती हैं उस पे इंस्ट्रूमेंट्स टगे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर ऑब्वियस है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारे क्वांटिटेटिव हैं क्योंकि सब में मार्क्स देते हो आप बच्चे को। रिटन एग्जाम लोगे तब भी बच्चे को मार्क्स दे दिया जाएगा, ओरल एग्जाम लिया है तब भी मार्क्स, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तीनों में बच्चे को आप मार्क्स के फॉर्म में इवैल्यूएट करते हो, तीनों के अंदर ही आप बच्चे को मार्क्स के फॉर्म में इवैल्यूएट करते हो, एंड हेंस ये आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। वेरी गुड, नेक्स्ट, टीचिंग के की बिहेवियर्स और उनके डिस्क्रिप्शंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये टीचिंग के की बिहेवियर्स हैं या उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, आपको बताना है। इस तरह से आपके हेल्पिंग बिहेवियर के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लेट मी नो। Yes, so key behaviors और उनके descriptive features now in Hindi. Yes, please eliminate करो। ये सब qualitative क्यों होंगे? Quantitative है, quantitative techniques है सारे evaluate करने के, क्योंकि बच्चे को marks दिया जाता है। ओके, ऑल एज एज एन आंसर, सबको ए लग रहा है।
कुछ एक आठ डी भी हैं एंड द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ए। अगर हम बात करें लेसन क्लैरिटी, सबसे पहले की बिहेवियर कैसे याद रखना है, उसके क्या एक्रोनिम होते हैं, तो उसका एक्रोनिम है लाइट्स। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, देन टी होता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट और स्टूडेंट सक्सेस। होगा हमारा लेसन क्लैरिटी डेफिनेटली होगा जब हम बच्चे को ओरल, ऑडिबल, डायरेक्ट डिलीवरी दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी तब होगा जब हम अलग अलग वैरायटी के थ्रू बच्चे को पढ़ा रहे हैं, राइट। तो हम जब वैरायटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, फ्लेक्सिबल वे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। बच्चे को एंगेज करके रखना, एंगेज करने का मतलब है कि हम जब स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो बच्चे हमारी टीचिंग में जुड़े रहें, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो एंगेजमेंट होता है नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स डिवोट टू लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चे लर्निंग को दें, ये एंगेजमेंट है। एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी विद विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कंप्लीट एक्सरसाइजेस, उनको होमवर्क देना, 70% उनका टाइम पढ़ाई में लगाना और ये इंश्योर करना कि बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और इसके बाद हम हेल्पफुल बिहेवियर भी देखेंगे। तो पहले 8th क्वेश्चन में कुछ क्वालिटीज हैं टीचर के जो आपको बताने हैं यहाँ पर, एंड देन 9th क्वेश्चन होगा ऑन द हेल्पफुल बिहेवियर बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, इनमें से कौन से आवश्यक गुण हैं एक टीचर के अंदर जो होने चाहिए। यस, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पर नेसेसरी क्वालिटीज देखें तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड अच्छा लिखना आता हो, मैं बहुत अच्छी हूँ ब्लैक बोर्ड सजा सजा के लिखूं लेकिन पढ़ा नहीं पाऊं तो फिर वो एक अच्छा टीचर की क्वालिटी नहीं होगी। तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेट कर पाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 भी होगा, कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन को नहीं लेंगे, नहीं तो फोर्थ ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन गलत नहीं है, बस हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है टीचिंग के हेल्पफुल बिहेवियर्स और उसके साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शंस। सो आपको मैच करना है और बताना है कि कौन कौन से हेल्पफुल बिहेवियर्स के एक्सप्लेनेशन कौन कौन से होंगे। नहीं, 4 नहीं हो सकता है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताया था मैंने, सी बताया था, वही होगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन इन हिंदी, टीचिंग के आपके हेल्पफुल बिहेवियर, सहायक व्यवहार और उनके विवरण। हाँ जी, बी बताया था तो बी ही करेक्ट है, ठीक है। चलो इसका जल्दी से आंसर देना मुझे। चलो, the correct answer for this question is option number A, as majority have said, बिल्कुल। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपके लिए छोटी सी क्लास भी ली थी टीचिंग के की और हेल्पफुल बिहेवियर पे 10 मिनट की,
तो अगर आपको नहीं क्लियर है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। अभी हम बात करते हैं बच्चों के आइडियाज को, बच्चे के कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करना। ये होता है कि बच्चे जो भी आपको रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं ना क्लास में, उसको इग्नोर मत करो, उसको अपनी क्लास में यूज करो। तो बच्चे ये मोटिवेट होंगे, बाकी जो बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे वो भी मोटिवेट होंगे आंसर्स देने के लिए। स्ट्रक्चरिंग होता है कि हम अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करके रखें कि अभी क्या पढ़ाया है और अब इसके बाद क्या पढ़ाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग के अंदर होता है कि हम बच्चे से बोले एनकरेज करो। अभी हम इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत डिटेल, टीचर्स इफेक्ट की। तो टीचर्स इफेक्ट होता है बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना। और पांचवा की बिहेवियर होता है क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चनिंग, ज्यादा से ज्यादा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछना क्लास में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। Yes, so which statement is correct? क्या दोनों ही statement आपकी correct है यहाँ पर, statement one and two? Both correct? चलो, let's see. So, यहाँ पे मेजोरिटी इज गोइंग टूवर्ड्स ए, एवरी वन इज सेइंग ए ही करेक्ट होगा, बट मेजोरिटी इज रॉन्ग दिस टाइम। आंसर नंबर डी करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो तो फिर से। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बच्चों को अगर हम डायलॉग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, बच्चे से खुद हम बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट करो, अपने से करो, ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करो, तो क्या ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है डायरेक्ट टीचिंग, मतलब टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ लिया, बच्चे ने सीख लिया। ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट टीचिंग है। इनडायरेक्ट टीचिंग के अंदर ये होता है कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बट बच्चे को बोलेंगे खुद करो। सो ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली गलत है, क्योंकि बच्चे को बोलना कि अपने से कम्युनिकेट करो, अपने से देखो कि क्या सही लग रहा है, दिस इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि प्रोबिंग का मतलब होता है बच्चे से बोलना, जो बोल रहे हो ना इसको बताओ मुझे, इलैबोरेट करके समझाओ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट ए एवरीवन। डायरेक्ट टीचिंग होती है जहां पर टीचर ने इंफॉर्मेशन दे दी बच्चे को, और इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होती है, जहां पर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, टीचर एक रिसोर्स का काम करता है, और बच्चे टीचिंग को खुद, मतलब जो भी चीज उसको पढ़ाई जा रही है बच्चा खुद करके सीखता है, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टीचिंग, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, एग्जाम में यही गलती करोगे तो फिर आपके ऑब्वियसली मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन दिमाग से ध्यान से पढ़ना है। चलो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें और जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। इनमें से कौन से मेथड्स, अगर हम बात करें कौन से मेथड सूटेबल है साइंस के लिए, चलो विज्ञान में कौन से आपके जो शिक्षण विधि है वो यूज होंगी, या आपकी आप बोल सकते हो कि हम यूज करेंगे। एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय एंड, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज रिफ्रेश करें, ठीक है, या आप अपना एयरफोन लगा लें, कुछ भी करो, डिवाइस चेक करो, बट एवरीथिंग इज फाइन हियर। जल्दी से सब कुछ सेटल करके क्लास में आ जाओ।
ओके, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली बी, एज पीपल आर सेइंग इट्स बी. देखो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डेफिनेटली बी होगा, क्योंकि हमारा जो टीचिंग मेथड होता है जिसमें जिसमें हम साइंस को पढ़ाने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो हो सकता है आपके फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन. यस, नोट्स का डिक्टेशन तो नहीं होगा साइंस, बिकॉज साइंस इज प्रैक्टिकल, तो बच्चे एक्टिविटीज करके सीखेंगे साइंस को. डिस्कशन मेथड भी हम यूज नहीं करेंगे साइंस के अंदर. डिस्कशन से बेटर होगा आपका क्या, बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हो, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो वो आपका बेस्ट मेथड होगा विज्ञान पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए. ठीक है, लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. हाँ जी, चलो सो यहां पर अगर आप इसका सोल्यूशन देखो तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये आपका बेस्ट मेथड है बच्चे को पढ़ाने के लिए. Now we'll be looking at the next question. Teaching as an interactive and interpersonal influence upon learner has been conceived in which of the notion of teaching? मतलब अगर हम बात करें तो जो teaching है interactive है, teaching interpersonal होती है, ये किस तरह की teaching के अंदर माना गया है? So everyone is saying option number B होगा. पता नहीं आप इस question का answer दे रहे हो, comments देर से मिल रहे हैं. ठीक है, everyone is saying A and definitely इसका correct answer होगा आपका option number A ही. Teaching as an interactive or interpersonal influence upon learner, ये हम मानते हैं कि democratic notion of teaching के अंदर होता है. Laissez faire के अंदर आप देखो तो हम बच्चे को पूरा freedom दे देते हैं कि अपने से करो, अपने से सीखो. तो यहाँ पे इतना ज्यादा interpersonal मतलब एक अच्छा relation develop कर पाना, interaction कर पाना बच्चों के साथ, वो possible नहीं होता है. So ये किसके अंदर होगा, ये democratic के अंदर होगा, जहाँ पे बच्चे को freedom दिया जाता है, teacher और student के बीच में communication होता है काफी ज्यादा. So that is what the democratic लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर हमारा इंटरेक्शन और इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होगा. यस, ए इज राइट एवरीवन. और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ MOOCs, बहुत आसान क्वेश्चन है, MOOCs का फुल फॉर्म बताना है. एंड आई नो आप सबको ये रटा हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो. 20 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ MOOCs. Done. The correct answer is definitely massive open online course. ये massive होता है, massive मतलब एक साथ आप लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हो. ये open है, हर किसी के लिए खुला है, जो भी चाहे enroll कर सकता है MOOC के अंदर. Online होता है, पूरी तरह से internet पे आपको पढ़ाया जाता है और यहाँ पर आपको courses मिलते हैं, right? So MOOCs है आपका full form. और MOOCs कब start हुआ था? MOOC start हुआ था 2008 में, लेकिन MOOCs popular हुआ था. लेकिन जो MOOCs है वो पॉपुलर हुआ था आपका 2012 में. और किसने किया था इस नाम को, मतलब आप बोल सकते हो MOOC को कॉइन किसने किया था, तो इट वॉज कॉइंड बाय डेव कॉर्मियर. राइट, इट वॉज कॉइंड बाय डेव कॉर्मियर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. ह्यूटागॉजी मॉडल ऑफ टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? अगर हम ह्यूटागॉजी की बात करें तो बेस्ट वे में ह्यूटागॉजी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ए बी सी या डी? So
सो ह्यूजा कॉजी के लिए मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं, सी बी एंड डी तीन ऑप्शंस लग रहे हैं, बट करेक्ट आंसर इसका होगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी। ह्यूटागॉजी एंड्रागॉजी का एक्सटेंडेड फॉर्म है और ह्यूटागॉजी में हम लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। मतलब ह्यूटागॉजी के अंदर क्या होता है, हम बच्चे को बोलते हैं अपने से सीखो, अपने से सीखो, अपने से करो, हम उसको नॉलेज नहीं दे रहे हैं बट बच्चे को बोल रहे हैं कि खुद करो चीजों को, दैट इज ह्यूटागॉजी। तो ह्यूटागॉजी में डेफिनेटली क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग को हम प्रमोट करेंगे। एंड्रागॉजी के अंदर क्या होता है, ये बताता है एडल्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एंड्रागॉजी है और इसमें हम लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्ड पे आप देख सकते हैं तीन तरह के नए, मतलब एक ह्यूटागॉजी हो गया, एक पीरागॉजी होता है और एक साइबरगॉजी होता है। तो हमने अभी तक पेडागॉजी एंड्रागॉजी के बारे में पढ़ा है, ह्यूटागॉजी पढ़ा है, लेकिन ये पीरागॉजी क्या होती है? सो पीरागॉजी इज बेसिकली को लर्निंग, जब हम बच्चे को एनकरेज करते हैं मिल के सीखो, ग्रुप में सीखो, उनको ग्रुप एक्टिविटी दे दी, ग्रुप टास्क दे दिया और वो सीख रहे हैं, तो दैट इज पीरागॉजी। साइबरगॉजी होती है ऑनलाइन एनवायरमेंट में एंगेज करके सीखना, तो जैसे अभी आप सीख रहे हो ऑनलाइन एनवायरमेंट में, ये साइबरगॉजी हो जाएगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पीरागॉजी और साइबरगॉजी, जो आपको पता होने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दे मे बी आस्किंग यू, ये दो नए शब्दों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पीरागॉजी होती है ग्रुप में सीखने को बोलते हैं, एंड अगर हम साइबरगॉजी की बात करें तो साइबरगॉजी मतलब वो पढ़ाने का तरीका जहां बच्चे इंटरनेट से सीखेंगे। ठीक है, गॉजी का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लिए थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉजी? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, बता दो जल्दी से तब आगे चलेंगे। देखो गॉजी मतलब होता है लीडिंग, मीनिंग ऑफ गॉजी इज लीडिंग, लीड करना। अब हम किस तरह से लीड करेंगे, पेडागॉजी में होता है छोटे बच्चों को कैसे लीड करना है, मतलब उनको कैसे पढ़ाना है, एंड्रागॉजी होता है बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसी तरह से पीरागॉजी है कि ग्रुप में कैसे पढ़ाना है, साइबरगॉजी है इंटरनेट से कैसे पढ़ाना है। ठीक है, चले, तो गॉजी का मतलब होता है पढ़ाना या लीड करना। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन फैकल्टीज इन इंडियन इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन प्रमोट करता है या कौन सी इनिशिएटिव है जहां जो प्रमोट करता है द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन फैकल्टीज इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। चलो वेरी क्विकली एवरीवन, ये तो आपने हायर एजुकेशन में भी किया होगा, सो ये आंसर गलत नहीं मिलना चाहिए। यस, मेजॉरिटी करेक्ट ओवर हियर, इट इज जियान, दैट इज GIAN जियान। ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क MHRD का प्रोग्राम है, MHRD का इनिशिएटिव है। क्यों इसको लाया गया? इसको लाया गया ताकि हम बाहर से फैकल्टीज को, जो रिनाउंड फैकल्टीज हैं, जो फेमस फैकल्टीज हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के, हम उनको अपने अपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बुला सकें, ताकि उनसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीख सकें, हमारे टीचर्स भी कुछ सीख सकें, ऑब्वियसली उनको भी नई चीजों के बारे में पता चले। जब यहाँ पर हमारे फॉरेन फैकल्टीज आते रहेंगे तो एक कोलैबोरेशन बिल्डअप होगा, हम उनके साथ मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, और जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया, और ये MHRD का इनिशिएटिव है, MHRD जो कि अब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, राइट? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग ICT विद रिसर्च। तो इसमें से ICT को रिसर्च के साथ जोड़ने के लिए गवर्नमेंट का कौन सा इनिशिएटिव है, ENAM, माई गवर्नमेंट, इम्प्रिंट या MOOC? यस, इसको भी हायर एजुकेशन में पढ़ा होगा आपने,
और नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था इम्प्रिंट और ई नाम बाकी बाकी चीजों के बारे में, तो बताओ जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज इम्प्रिंट। इम्प्रिंट आपका है राइट, इम्प्रिंट है आपका इनिशिएटिव जिससे कि हम क्या करेंगे आईसीटी को प्रमोट करते हैं इन रिसर्च, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है आईसीटी को इन रिसर्च। इट्स बेसिकली अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी एंड आईआईएससी। टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च हो सके, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जो मेजर प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके, इसलिए इम्प्रिंट को लाया गया है। इम्प्रिंट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव जो कि आईसीटी को प्रमोट करेगा इन रिसर्च। चले अगला, आईसीटी के कुछ टूल्स और अब उनके यूज। तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है, आईसीटी के टूल्स को मैच करना है कि ये टूल्स किस किस के लिए यूज होते हैं। सो ऐसा मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि आईसीटी के सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। सो लेट्स सी, हायर एजुकेशन की क्लासेस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उनको प्लीज चेक करना। चलो हिंदी भी देखें और एलिमिनेट करो, आंसर समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। हैव डिस्कस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब। ओके डन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। मेजॉरिटी ने डी दिया है, बहुत से लोगों ने ए भी आंसर किया है, बी भी आंसर किया है। तो यहां पर देखेंगे जेस्टोर क्या होता है। जेस्टोर यूज होता है लिटरेचर रिव्यू के लिए, ठीक है। SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए होता है, नाम में ही एनालिसिस है तो ए होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, हाँ जी ऑप्शन मैं देख लेती हूँ एक बार, पहले रुक जाओ। अब हम अपवर्क की बात करते हैं, तो अपवर्क होता है कोलैबोरेटिव राइटिंग टूल। एटलस टीआई, अच्छा ओके ये क्वालिटेटिव है, आई एम सो सॉरी, क्वालिटेटिव मैंने मार्क कर दिया था, ये क्वांटिटेटिव पे आएगा, मुझे लगा ऑप्शन गलत है। SAS क्वांटिटेटिव है, एटलस टीआई इज क्वालिटेटिव। एक बार इसको फिर से सही करती हूँ, पेंटैब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ जी फिर से एक बार, यहाँ पर ये जो आपका SAS है इट इज क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है। एटलस टीआई आपके क्वालिटेटिव के लिए होगा, SAS आपका क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होगा, मात्रात्मक के लिए होगा, ठीक है। सो डी ही आंसर करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, बी वाले काफी खुश हो गए थे, मेरा करेक्ट है, मुझसे गलती हो गई थी, अभी क्लियर है। हाँ जी अभी क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन, टैम्परिंग, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो मैच करके बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। नहीं क्लियर है क्या, लास्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को मैच करो जल्दी से और बताओ व्हाट इज राइट। मिसरिप्रेजेंटेशन, टैम्परिंग, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चारों कॉन्सेप्ट्स रिसर्च एथिक्स के अंदर, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपको एग्जाम में। ग्रेट फातिमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं ये कहां से टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म है, दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। चलो
डन. मेनी बीज, ठीक है, मेनी बीज एज एन आंसर सी भी लग रहा है बहुत से लोगों को. करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. अगर हम बात करें फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, टैम्परिंग की, तो क्या होता है? फैब्रिकेशन पता है हमें सबको, फैब्रिकेशन होता है डेटा को मेकअप करना. फाइन, फैब्रिकेशन होता है डेटा को मेकअप करना और इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे क्लेम्स देना. तो फैब्रिकेशन है डेटा खुद से बना देना, इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे अपने रिजल्ट को देना, डी वन होगा. फॉल्सिफिकेशन क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन होता है कुछ भी करके रिसर्च का आंसर गलत लाना, ठीक है, झुटलाना रिसर्च को, तो ये फॉल्सिफिकेशन होता है. एंड फॉल्सिफिकेशन मतलब है अनट्रू फैक्ट्स को पब्लिश करना. टैम्परिंग और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कुछ का कुछ, ठीक है. मिसरिप्रेजेंटेशन है सैबोटेजिंग अनदर रिसर्चर वर्क इंटेंशनली, वेयर एज व्हाट इज टैम्परिंग? टैम्परिंग है सप्रेशन ऑफ द रेलेवेंट फाइंडिंग्स, ठीक है, सप्रेशन ऑफ द रेलेवेंट फाइंडिंग. एक मिनट, पेन टैब इज नॉट वर्किंग, सो मेरा हो नहीं पा रहा है, एक मिनट रुक जाओ. चलिए फिर से एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को. मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वो सप्रेस करना होता है. टैम्परिंग की बात है मतलब वो सैबोटेजिंग होता है, दूसरे के काम को क्या करना, टैम्पर कर देना, खराब कर देना, तो बी टू होगा. फॉल्सिफिकेशन क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन होता है झुटलाना और गलत रिजल्ट्स को पब्लिश करना, वेयर एज योर फैब्रिकेशन है क्लेम्स देना अनट्रू रिजल्ट के बेसिस पे, ठीक है. करेक्ट आंसर सी होगा, क्लियर है. यस, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म, ये तीन आपके कार्डिनल सिंस हैं, बट यहाँ पे कोई प्लेजरिज्म से रिलेटेड नहीं है. मिस रिप्रेजेंटेशन होता है सप्रेस करना, कुछ का कुछ दिखाना. टैम्परिंग होता है दूसरे के काम को खराब करना, सैबोटेज कर देना. फॉल्सिफिकेशन होता है गलत रिजल्ट पब्लिश करना, और फैब्रिकेशन होता है इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे रिजल्ट देना. अब हम लास्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं क्लियर हुआ था, एक बार उसको देख लेते हैं. JSTOR क्या होता है? देखो JSTOR होता है हमारा लिटरेचर रिव्यू के लिए यूज. तो लिटरेचर रिव्यू के लिए हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे ई ज्ञानकोश है, गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा है, वैसे ही JSTOR भी होता है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, ठीक है. SAS की बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये यूज होता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए. अपवर्क एक कोलैबोरेटिव राइटिंग टूल है, जहां पर आप जाके क्या कर सकते हो, अपने वर्क को, थीसिस वगैरह को लिखवा सकते हो. एटलस TI होता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल, ठीक है. सो ये आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. एटलस TI आपका क्वालिटेटिव के लिए यूज होता है, जबकि SAS यूज होता है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए. JSTOR, ई ज्ञानकोश, शोध गंगा, ये सारे लिटरेचर रिव्यू सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है. सो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एक बार येस नो करके लिख दो, सो दैट वी कैन मूव अहेड. SAS क्वालिटेटिव है, मैं बता तो रही हूँ, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है. पढ़ लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें स्लाइड का, ठीक है. क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब हम. Which of the following research ethics principle should be followed by participants? हमें कौन से ethical principle को follow करना होगा? कौन से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, बाय द पार्टिसिपेंट्स या फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है. And it is option number C, informed consent लेना. उनकी privacy invade करना नहीं, protect करना होता है, उनको धोखा नहीं देना होता है, उनका trust बना के, अगर वो trust कर रहे हैं तो उनका trust लेके चलना होता है, harm से बचना होता है. तो हमारे पास option eliminate करके एक ही बचा, informed consent. उनको सारी बातें बताओ और फिर उनकी सहमति लो. ऐसा नहीं है कि आपने बस उनको बोल दिया हम कुछ करने जा रहे हैं, अग्री हो मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं. इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि आप उनको अपनी रिसर्च के बारे में सब कुछ बताओ, फिर उनको खुद डिसाइड करने दो कि उनको आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लैग चेकिंग वेबसाइट, इनमें से कौन सा प्लैग चेकिंग वेबसाइट है? इनमें से कौन सा प्लैग चेकिंग वेबसाइट है? स्वयं चेक, रिसर्च गेट, एल्सवेयर और ग्रामरली। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामरली। ग्रामरली हो गया, टर्निटिन हो गया, ये सब आपका शो, ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये चेक करता है आपका प्लैग। स्वयं चेक नहीं होगा, रिसर्च गेट आपका कोलैबोरेटिव टूल है। रिसर्च गेट बेसिकली एक सोशल नेटवर्क है जहां पर अपना रिसर्च को पब्लिश कर सकते हो, जहां पे आपके बाकी रिसर्चर्स आपको उसके बारे में पढ़ के आइडिया दे सकते हैं। वेरास ग्रामरली है, टर्निटिन है, ये सब आपके प्लैग चेकिंग डिवाइसेस या प्लैग चेकिंग वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। सो यस, ग्रामरली इज वन ऑफ इट, टर्निटिन इज वन ऑफ इट। टर्निटिन के बारे में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा, क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन बस फर्क था। यहाँ जैसे ग्रामरली था तो वो 2018 में टर्निटिन लिखा हुआ था ऑप्शन में, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन, डायरेक्ट और कंप्लीट प्लेजरिज्म के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी हैं असर्शन रीजन के फॉर्म में, यू हैव टू टेल विच वन इज राइट। Yes, उर्कुंड भी is one of the software जिससे आप चेक कर सकते हो अपने प्लैग को। चलिए Which one is right? Assertion सही है, reason सही है, explanation सही है क्या? A's and C's, दो options में confusion बहुत ज्यादा है and the correct answer is B. ठीक है, सो हमें ए और सी में कंफ्यूजन हो रही थी, बट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म कंप्लीट के जैसा होता है, एब्सोल्युटली। कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट होता है पूरा का पूरा कॉपी करना, बस नाम बदल देना, अपना नाम लगा के पूरा जो हमारा असाइनमेंट है हमने उसको एज इट इज रखा, नाम बदल दिया, ये कंप्लीट होता है। डायरेक्ट में भी हम सब कुछ कॉपी करते हैं, बस उसका एक पार्ट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा वर्क नहीं कॉपी कर रहे हो आप, एक पार्ट कॉपी करोगे। देखो जैसे ये मेरा, जैसे ये मेरा वर्क है, अब इस प्रोजेक्ट को जिसने भी लिखा है उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा का पूरा कॉपी कर रही हूँ, बस नाम अपना डाल दे रही हूँ, दिस इज कंप्लीट प्लेजरिज्म, ठीक। बट जो आपका डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट प्लेजरिज्म के अंदर ये होता है कि मैंने कुछ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट किसी और का लिया लेकिन वर्ड टू वर्ड लिया, ठीक है, वर्ड टू वर्ड लिया, तो यस असर्शन भी करेक्ट है। अब हम बात करें रीजन की, तो कंप्लीट प्लेजरिज्म मतलब कॉपीइंग ऑफ ऑल द डेटा इन पेपर, यस ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या यहाँ बिकॉज लगाओगे तो एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है? नहीं, बिकॉज लगाएंगे तो कोई एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, कि डायरेक्ट हमारा कंप्लीट के जैसा है क्योंकि कंप्लीट में सब कुछ कॉपी करते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट में तो ये नहीं करते। सो देयरफॉर आपका क्या होगा यहाँ पे, रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट। क्या हो गया, बफरिंग हो रही है, प्लीज रिफ्रेश कर लें, यहां से सब कुछ ठीक है, अगर कोई बफरिंग वाला इशू आया भी है तो अभी ठीक है, राइट, स्टक हो गया है, अभी अभी ठीक है, रिफ्रेश कर लो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। चले नेक्स्ट है आपकी रिसर्च डिजाइन के ना चार पार्ट्स होते हैं, रिसर्च डिजाइन के फोर पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट के अंदर क्या क्या करते हो, तो जब हम प्लानिंग करते हैं,
जब हम प्लानिंग करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, तो उसके चार पार्ट्स होते हैं। उन चार पार्ट्स के ऊपर हम प्लानिंग करते हैं और उसके अंदर क्या क्या प्लानिंग करते हैं आपको पढ़ के बताना है। रिसर्च डिजाइन के फोर पार्ट्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी से उनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करो कि करेक्ट आंसर क्या लग रहा है यहाँ पर आपको।